गंदगी में कितना घसता जा रहा है आदमी, समझकर गुलिस्तान जन्नत का क्यों जहन्नुम को अपना रहा है आदमी। कल ही की तो बात है जब देखी वो सहमी सी बच्ची, पिता आकाश और धरती माँ के सिवा कौन था उस अनाथ का। शायद वक्त की मार सिर्फ उस पर ही पड़ रही थी, लगा यूं कि एक रुपया दे दो के बदले मेरा हाल सुनो कह रही थी। फटे कपड़ों पर किस तरह उसने शर्म का पैबंद लगा रखा था। शर्माई मुझे उस दिन पर जब आदमियों की दुनिया में कदम रखा। पिता से बुजुर्ग के सर पर हैवानियत का साफा देखा था। पहली दफा ही सही पर बेशर्मी को मैंने शर्माते देखा था। फटे कपड़ों से दिखते उसके शरीर को गिद्ध की तरह नोचा जा रहा था। खुलकर ली जा रही सांसों से अब मेरा दम घुटा जा रहा था। चित्कार भरी उसकी आंखों पर किस तरह लोग थिरक रहे थे। साहूकार वो भिखारी कितना इतरा रहे थे। बेचारे दौलतमंद गरीब बिना नींद की शान दिखा रहे थे। उस बच्ची के साथ सभी का दिल तो धड़क रहा था पर ना जाने क्यों उसके आंसुओं पर कोई नहीं फफक रहा था। हर बेटी की तरह वो भी किसी माँ की कोख में पली थी, जाने कब, लेकिन वो भी कभी अपने बाप की उंगली पकड़ कर चली थी। तो भी क्यों आज इसके फैले हाथों को कोई नहीं थाम रहा है, क्यों एक पिता होकर अपने ही साए से भाग रहा है। लेकिन आशा है कल एक नया सवेरा जरूर आएगा जब इस बेटी को भी हर बाप अपनी ही बेटी की तरह अपनाएगा। ये तो थी एक कविता बेटी के बेटी शीर्षक पर। अब कुछ एक शायरी। इस तरह से हमारी मोहब्बत रंग ले आती थी, मैं घर से निकल पड़ता था वो चांद से उतर आती थी। वाह वाह वाह। इस तरह से हमारी मोहब्बत रंग ले आती थी, मैं घर से निकल पड़ता था वो चांद से उतर आती थी। बहानों का सिलसिला शुरुआती था, मिलने की चाहत फिर तो कोशिश में उतर आती थी। झील पेड़ बादल सब झूम उठते थे, मेरी बाहों में जब वो सिमट कर आती थी। उलझ जाती थी सांसें कुछ इस कदर, बदन मेरा होता था मैं खुशकी आती थी। एक दूसरी शैली है। इस साल आंसुओं की ज्यादा मौसम की बारिश कम हुई। भूले से ही सही कभी तेरी आंख में नम हुई। तेरी पाजेब का घुंघरू संभाल कर रखा है मैंने। उससे पूछना क्या उसकी झलक भी कम हुई। इस बार जो आओ सूरज को साथ लेकर आना। तुम तभी मिली जब रोशनी मध्यम हुई। तरसती आंखों में जुगनुओं का बसेरा है। तेरी याद में हर रात सनम बड़ी बेरहम हुई।